हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। सभी स्टूडेंट्स को सत श्री अकाल, सबको राम राम, सबको गुड इवनिंग। कैसे हो जी आप लोग सभी? तो आज के लेक्चर की शुरुआत मैं मेरे एक वन ऑफ द फेवरेट थॉट के साथ शुरू करना चाहूंगा। मैंने अपने इंजीनियरिंग के टाइम से एक थॉट अपनी यूनिवर्सिटी में सुना और उसे अपनी लाइफ की फिलॉसफी भी बनाया। कहते हैं कि एक इंसान कई तरह के विचारों का कॉम्बिनेशन होता है। आज हमने सावल क्लासेस को जिस मुकाम पर पहुंचाया, 1100 स्टूडेंट्स कल अपने साथ चैनल पर लाइव हुए, सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू। हम लोग सावल क्लासेस को जिस फिलॉसफी से आगे लेकर बढ़ रहे हैं, उस फिलॉसफी का एक पार्ट आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल्स। जो ग्रेट माइंड होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो हमेशा आइडियाज को डिस्कस करते हैं, पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं, रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं, डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को, सस्टेनेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। एवरेज माइंड इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, और स्मॉल माइंड जो होते हैं ना, दे डिस्कस पीपल्स। तो आज मुझे लगा कि मैं मेरे जीवन का एक सबसे फेवरेट थॉट आप सबके साथ शेयर करूं। तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारा 6वां लेक्चर है ज्योग्राफी का। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज के अंदर आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने 5 चैप्टर जो है अपने वो कर लिए थे। आज हमारा 6वां चैप्टर होगा पंजाब की नदियों को लेकर, और बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मेरे हाथ में 9वीं क्लास की किताब है, इससे जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सब बनाए हैं। स्टूडेंट सावल क्लासेस का कल 14 फरवरी से पंजाब टेट का एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। ये 6ठा बैच है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पंजाब टेट में सावल क्लासेस का बैच ज्वाइन नहीं किया, आप लोग जरूर ज्वाइन करो, कल पहला दिन है। इससे अलग ईटीटी कैडर वालों की एक टेस्ट सीरीज हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सावल क्लासेस पिछले 13 सालों से पंजाब में पंजाब टेट, ईटीटी कैडर, सभी मास्टर कैडर, एनटीटी और पंजाब जॉब्स और पंजाब जॉब्स के सभी पेपर्स की प्रिपरेशन कराने का एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है। इस साल से सावल क्लासेस अपनी कोचिंग में यूजीसी नेट और सी टेट, ये दो बड़े पेपर्स को भी हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सभी के सामने, चलो जी अब तैयार हो जाओ आज के सारे एमसीक्यूज को करने के लिए। आज अपने सामने बहुत बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू आने वाले हैं, शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन, इस वक्त पंजाब में टोटल कितनी नदियां हैं? भारत की आजादी से पहले हमारे पंजाब बहुत बड़ा था, पाकिस्तान में कुछ हिस्सा चला गया, हमारा बड़ा हिस्सा पंजाब में, पंजाब का जो है वो पाकिस्तान में चला गया। तो पंजाब में इस वक्त कुल टोटल 3 नदियां हैं, सतलुज, ब्यास और रावी। राइट आंसर इज बी। जिन स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया, बिल्कुल ठीक दिया। उससे पहले 5 हुआ करती थी, 2 नदियां जो है वो हमारी कहां चली गई, वो 2 नदियां हमारी पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर चली गई। क्वेश्चन नंबर 2, रंजीत सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? हाँ जी, करो जी आंसर सारे स्टूडेंट्स। रंजीत सागर डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है स्टूडेंट्स? ब्यास नदी के ऊपर, सतलुज नदी के ऊपर, रावी नदी के ऊपर या जेहलम नदी के ऊपर? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो राइट आंसर है रावी नदी। रावी नदी के ऊपर जो है वो
रंजीत सागर डैम जो है उसे तैयार किया गया है। आज का हमारा सारा कुछ जो है वो नदियों के ऊपर ही चलना है, तो मैं आपको पहले कुछ चार फैक्ट्स लिखवा देता हूँ, थोड़ा अपने को इजी हो जाएगा स्टूडेंट आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड करना। लिखो, सबसे पहले आप पंजाब की पांचों नदियों के बारे में एक बार लिख ही लो, लिखो। ये एक पेज पे आप लोग इसको थ्योरी में लिख लेना। सबसे पहली नदी है जी हमारे सामने सतलुज नदी, लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है। ये नदी तिब्बत के अंदर, तिब्बत की स्थान है RAKSHASTAL। ये मैंने पेड ग्रुप में नहीं करवाया हुआ जो अभी लिखवा रहा हूं आपको, इसको रक्सथाल लेक बोलते हैं। यहां से ये पैदा होती है नदी, इसका सोर्स उद्गम यहां है। और ये नदी टर्मिनेट कहां होती है या एंड कहां होती है, तो ये नदी चेनाब रिवर में जाकर गिरती है। ये देखो कितना बढ़िया पॉइंट मैंने लिखाया। सिर्फ एमसीक्यू करने से ही तैयारी नहीं होती होती बंदे की, कंसेप्ट जो होते हैं ना, कंसेप्ट वो जबरदस्त चीज होती है। सतलुज नदी 1500 किलोमीटर लंबी तिब्बत इस स्थान से निकलती है, चेनाब रिवर के अंदर जाकर गिरती है। हमारे प्यारे पंजाब की दूसरी नदी ब्यास नदी, जो हमारी ब्यास नदी है, ब्यास नदी 470 किलोमीटर है और ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में से यह नदी निकलती है और सतलुज रिवर हरिके तरन तारण के पास जाकर ये सतलुज के अंदर जो है गिरती है। सतलुज रिवर हरिके, ये इसका एंड पॉइंट है। ठीक उसके बाद तीसरी नदी जो है वो है रावी नदी। रावी नदी 720 किलोमीटर, अभी आपको मैं एमसीक्यू भी करा रहा हूं, ये आपके लिए मैंने चार्ट बनाया है छोटा सा, एक मिनट में लिख लो इसको। 720 किलोमीटर रावी नदी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में से ये निकलती है, चेनाब रिवर में जाकर गिरती है। चेनाब रिवर में ये नदी जाकर जो है वो गिरती है। और चौथी है चेनाब CHENAB, ये नदी 960 किलोमीटर लंबी नदी है और हिमाचल प्रदेश के एक एरिया से निकलती है, सतलुज के अंदर जाकर मर्ज होती है, सतलुज नदी में जाकर मर्ज होती है। और लास्ट पांचवी नदी स्टूडेंट, पांचवीं नदी भाई, ऐसा कोई थ्योरी का एक आधा पॉइंट लेक्चर के बीच में आ जाए जो उस लेक्चर की आत्मा है, बोर तो नहीं हो जाते क्या? ऐसा तो नहीं क्या कि मैं तो सिर्फ एमसीक्यू ही करने आया था, ये तो सर थ्योरी में क्या लिखाने लग गए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिख ली तो आज के लेक्चर का मान लो आपको आइडिया मिल गया पूरा। ये नदी जेहलम नदी कश्मीर में से आती है, चेनाब रिवर में जाकर गिरती है। तो ये हमारे सामने पांच रिवर्स जो मैंने आप लोगों को नोट कराई। तो इस वक्त पंजाब में सतलुज है, रावी है, ब्यास है। ठीक इस वक्त पंजाब में सतलुज है, रावी है, ब्यास है, ये आपने लिख लिया क्या? पहले बताओ, जिनकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर चल रही है प्लीज वो अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को ठीक कर लें, उसके बाद बिल्कुल ठीक चलेगी। ये जो थ्योरी में एक चार्ट बनाओगे ना, इसमें चैप्टर खत्म है आपका सारा, मैं आपको बता रहा हूं। अभी इसमें कुछ बातें और लिखोगे, जैसे सतलुज नदी के साथ छोटा छोटा करके कहीं भी आप लोग लिख सकते हो कि इस नदी की सहायक नदियों में बसपा नदी है और स्पीति नदी है और ब्यास नदी है। ये सहायक नदियों के मैंने नाम लिख दिए। इस नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है, ठीक, और वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है।
इन पॉइंट्स को ध्यान से लिख रहा करो, कल को पेपर में आ जाएंगे। फिर कहोगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है और इस नदी के किनारे सतलुज के किनारे बसे हुए शहरों के अंदर रोपड़ शहर है, रोपड़ के साथ फिलौर है और हरिके है और फिरोजपुर है और हरिके है। ये शहर प्रमुख शहर है जो कि सतलुज नदी के किनारे पर है। ये सतलुज नदी के किनारे पे बसे हुए प्रमुख नगरों के नाम है स्टूडेंट, जो आपने लिखे भाई। ठीक है, क्लियर है सबको? सतलुज नदी की सहायक नदियों में बसपा, सिप्ति और ब्यास है। भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है, वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी है। इस नदी के किनारे रोपड़, फिलौर, फिरोजपुर और हरिके, ये स्थान सतलुज नदी के किनारे पर है। पता लग गया? अब आओ दूसरी नदी। मैं सिर्फ पंजाब की तीन नदियां डिस्कस करूंगा अब एक बार, उसके बाद एमसीक्यू ही करेंगे, चिंता ना करो। उसके बाद आगे आओ, अगली नदी है जी हमारी ब्यास नदी। अब एक बार ब्यास की बात कर लेते हैं, बस पंजाब की तीन नदियों के मेरे को तीन तीन पॉइंट लिखा लें दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्यास नदी, जो ब्यास नदी है ना, ये आपने देख ही लिया, कुल्लू रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास नदी की सहायक नदियों में पार्वती नदी सहायक नदी है, सुकेरी ये नदी सहायक नदी है, UHL ऊल ये है, गज एंड चक्की ये नदियां सहायक नदियां हैं ब्यास की। ठीक है, इसके किनारे जो डैम बना हुआ है स्टूडेंट, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है पोंग डैम। सतलुज के किनारे था भाखड़ा नंगल डैम और ब्यास नदी के किनारे कौन सा डैम है? पोंग डैम है। ब्यास नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे हमारे जो शहर है स्टूडेंट्स, वो आप लोग लिखोगे श्री अमृतसर साहिब ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक, सही लिखा रहा हूं ना? कोई गलती से कोई चीज इधर उधर हो जाए तो बता देना मेरे को। श्री अमृतसर साहिब। ठीक, उसके बाद पंजाब की तीसरी नदी और लास्ट नदी जो इस वक्त पंजाब के अंदर है, उसका नाम है रावी नदी। उसका नाम है रावी नदी, तीसरी और लास्ट नदी का नाम रावी नदी। स्टूडेंट, रावी नदी के बारे में कुछ बात देख लेते हैं हम लोग। जो रावी नदी है, ये हमारे पंजाब की सबसे छोटी नदी है, स्मॉलेस्ट रिवर है। ठीक, सबसे छोटी नदी रावी नदी है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इस नदी की सहायक नदियों के अंदर जलालिया नदी, साकी किरण नाला। ठीक, जो डाटा है वो बता रहा हूं आपको, और सियूल, ये तीन नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। इस रावी नदी के किनारे जो डैम बना है वो आपने अभी अभी देख ही लिया, रंजीत सागर डैम। आपको पता है रंजीत सागर डैम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है? बताओ, कभी कभी क्वेश्चन अगर घूम फिर कर आएगा तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है। रंजीत सागर डैम को थेन डैम भी कहा जाता है, और लगा के लिख लो, थेन डैम। रंजीत सागर डैम को स्टूडेंट थेन डैम के रूप से भी हम लोग जो है वो जानते हैं, थेन डैम। मैं आपको एक बार एक डायग्राम के अंदर दिखाना चाहूंगा हमारे पंजाब की तीनों रिवर्स, एक बार देख लो, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, दिखाई दे रही है ये डायग्राम आपको, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही है सब स्टूडेंट्स को। पंजाब के सभी जिलों के अंदर से पंजाब की तीन नदियां, सबसे पहले रावी नदी, ये देखो रावी नदी पठानकोट जिला, गुरदासपुर जिला, श्री अमृतसर साहिब जिला, ये तीन जिलों में से गुजरती है। उसके बाद ब्यास नदी, देखो
ब्यास नदी ये होशियारपुर में से आई, फिर गुरदासपुर जिला, श्री अमृतसर साहिब जिला, कपूरथला जिले के बॉर्डर से होती हुई तरन तारन, और ये देखो यहाँ पर हरिके के अंदर मर्ज हुई सतलुज के साथ, यहां से आई तीसरी नदी। अच्छा जूम, चलो जूम 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 करने की जरूरत नहीं है, आप इन नदियों की रिलेटिव पोजीशन देख लो बस, पंजाब में तीनों नदियां कहाँ है, रिलेटिव पोजीशन। तीसरी नदी सतलुज नदी, ये यहां से आई ऐसे घूमती घूमती घूमती, ये हरिके के अंदर ब्यास के साथ मर्ज होगी और फिर ऐसे आ, ठीक। तो ये हमारे पंजाब की तीन नदियां हमारे तीसरे क्वेश्चन के साथ आप लोगों के मैं सामने। आप लोग ना गूगल पे सर्च करना इस लेक्चर के बाद, रिवर सिस्टम ऑफ पंजाब गूगल पे, और फिर इमेजेस पे क्लिक कर देना, आपके सामने खूब सारी डायग्राम खुल जाएगी, पंजाब का नक्शा खुल जाएगा और सारी नदियां उसके ऊपर बनी होंगी, कहीं से भी आप देख लेना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो मैंने चार्ट बनाया था अभी अभी वो इस टॉपिक का निचोड़ है बस आज। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बांगी एंड भाषा चोज पाल, चो चो दे इलाके, चो होता है ना चो, हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा, चो क्या चीज होती है, जेड़े पंजाब दे विच कंडी एरिया है, जिथे भूमिगत पानी भी थोड़ा थल्ले है, जिथे कोई दरिया भी नहीं है, उथे मतलब वहां पर एक खाली इस तरह के नाले से बन जाते हैं बड़े बड़े सारे, और जब बारिशें आती है ना तो वो ओवरफ्लो होके बाढ़ भी ले आते हैं कदे कदे, उन इलाकों को चो के इलाके बोलते हैं। तो ये इलाके किस एरिया में पड़ते हैं, राइट आंसर इज बी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपकी सरकारी किताब में से उठाया है, सरकारी किताब में से उठाया हुआ एमसीक्यू है ये, इसलिए याद कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर चौथा, वो केड़ी नदी है जेड़ी मान सनोवर दे नेड़े राकशतल तो केड़ी नदी निकलती है, निकलती है। आप कहोगे सर पंजाबी हिंदी इंग्लिश सब मिक्स रखते हैं, मान सरोवर दे नेड़े राकशतल तो केड़ी नदी निकलती है, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस। तो राइट आंसर है जी चौथे का सी, दैट इज कॉल्ड सतलुज रिवर, बिल्कुल ठीक बताया जी सतलुज रिवर। क्वेश्चन नंबर पांचवा, पंजाब शब्द दो शब्द पंज अते आप दे सुमेल नाल बनिया है, ये दोवें शब्द दुनिया दी केड़ी भाषा तो ले गए हन, ये जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं, क्या ये ग्रीक भाषा से है, इटालियन भाषा से है, या ये जो है पर्शियन भाषा से है। राइट आंसर इज सी, जिन स्टूडेंट ने इसका सी आंसर दिया पांचवें क्वेश्चन का, पर्शियन भाषा से है जी, बिल्कुल ठीक बताया। क्वेश्चन नंबर छठा, हेठ लिखिया विचो केड़ी नदी पंजाब दी सब तो छोटी नदी है, रावी नदी पंजाब दी सब तो छोटी नदी है, बिल्कुल ठीक बताया, रावी जेड़ी है वो पंजाब दी सब तो छोटी नदी है, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर सातवां, हेन डैम केड़ी नदी दे उत्ते बनिया है, किस नदी ते बनाया गया है, थेन डैम नू ही रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है, उसे डैम दा दूजा नाम है रावी नदी, राइट आंसर इज सी दैट इज कॉल रावी नदी। क्वेश्चन नंबर आठवां, केड़ी नदी हिमाचल प्रदेश दे कांगड़ा जिले दी मुल्तान तहसील तो निकलती है, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मुल्तान तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आठवें का राइट आंसर है स्टूडेंट सी, ये भी आपका आंसर रावी नदी जो है वो आने वाला है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के ऊपर बढ़ते हैं, वो केड़ी नदी है जिदे उत्ते हिमाचल प्रदेश दे विच ता पांडो डैम बनया है ते पंजाब विच पोंग डैम बनया है, एक नदी दे उत्ते दो डैम बने हुए ने, हिमाचल प्रदेश दे विच ता पांडो डैम और पंजाब विच पोंग डैम बनया होया है, हाँ जी हाँ जी। राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर ए आएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं बताता हूं कि मैंने ये एमसीक्यू कैसे तैयार किए हैं, ध्यान से सुनना फिर आप मेरे को बताना।
मैं ये क्वेश्चन तैयार करने के लिए आपकी 9वीं क्लास की और 10वीं क्लास की पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की किताब पढ़ता हूं। पहली बात, ये रही मेरे हाथ के अंदर, ये रही मेरे हाथ के अंदर, देख लो, ठीक पूरा चैप्टर पढ़ता हूं खुद और फिर देखता हूं कि क्या क्या एमसीक्यू मैं इसमें से टाइप करूं। दूसरी बात, हमारे पंजाब के जो पुराने पेपर है उन पुराने पेपरों को स्टडी करता हूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरी बात, इन सरकारी किताबों के एंड में जो सरकार ने एमसीक्यू बनाए होते हैं 4-5, वो एमसीक्यू मैं आपको कराता हूं। और इससे चौथी बात, कुछ अपनी खोपड़ी लगा के भी 2-4 क्वेश्चन बना लेता हूं और एक्स्ट्रा। और अब इससे ज्यादा क्या कर लूं मैं बताओ, और अब इससे ज्यादा क्या करूं, और इससे बढ़िया क्या बनाऊं मेरे को, आप लोग बताओ। ब्यास, ठीक, राइट आंसर इज ए, दैट इज कॉल्ड ब्यास रिवर। और सारे चैप्टर ऐसे ही कराऊंगा, हर चैप्टर की प्रिपरेशन इसी तरह से करूंगा। आज रात को 9 बजे आपकी क्लास है इंडियन पॉलिटिक्स की, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, दो टॉपिक हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां, राजस्थान फीडर कनाल नू इंदिरा गांधी कमांड कनाल भी कहा जाता है, ए पंजाब दी केड़ी नदी तो निकल दी है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि राजस्थान फीडर कैनाल नू दूजे केड़े ना तो जानिया जाता है, इंदिरा गांधी कमांड कैनाल दे नाल, ते ए पंजाब दी केड़ी नदी तो निकल के राजस्थान दे विच सिंचाई करन दा काम करदी है। राइट आंसर इज ए ब्यास नदी, ब्यास नदी में से है। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए, दैट इज कॉल्ड ब्यास। एक मिनट, राइट आंसर इज ए, दैट इज कॉल्ड ब्यास। हां जी, हाँ ब्यास ही आएगा, सारे जने गलत बताया रहे हैं, सतलुज मेरे को और कंफ्यूज कर दिया कि जब सारे सतलुज कह रहे हैं तो सतलुज ही होगा। एक मिनट रुक जाओ, राजस्थान फीडर हरी के हेडवेयर से निकलता है, तरन तारन से, 149 किलोमीटर लंबा है और आपकी इस किताब के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश, हाँ सतलुज आएगा, सतलुज, राइट सॉरी, राइट आंसर बी है, सतलुज ही है भाई, सतलुज ही राइट आंसर है। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, सतलुज कर लो जी, सतलुज ही है, सॉरी मेरे से मिस्टेक होगी, सॉरी, राइट आंसर इज बी, सतलुज, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां, पार्वती सुखंत्री उल सोहन काली बेन, ए मेजर रिवर्स है, ये सारी मेजर ट्रिब्यूटरियां है, सहायक नदी है, केड़ी नदी दी। हाँ जी बताओ जी, हाँ जी कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं सारी। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं, ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं, 11th का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12, लैंडमार्क, एक बहुत ही मशहूर डैम भाखड़ा नंगल डैम केड़ी नदी दे उत्ते बनिया होया है, ए डैम हिमाचल प्रदेश ते लगभग पंजाब दे बॉर्डर दे उत्ते है, ए डैम केड़ी नदी दे उत्ते है, सतलुज नदी दे उत्ते है, भाखड़ा नंगल डैम जेड़ा है वो सतलुज नदी दे उत्ते है। क्वेश्चन नंबर 13, सोन ब्यास चिट्टी वेन, ए सहायक नदियां हन केड़ी नदी दी, बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या आएगा, ये तीन मैंने नदियों के नाम लिखे हैं, ये सारी सहायक नदियां हैं, इनमें से किसकी, चार ऑप्शन है जी आपके सामने, राइट आंसर आ गया जी हमारे सामने, राइट आंसर इज 13th क्वेश्चन का बी, सतलुज रिवर, बिल्कुल ठीक बताया, सतलुज रिवर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब विच हेठ लिखे शहरां विचों केड़े शहर विच सब तो वद चो दे चो हन, 93 चो, पंजाब में सबसे ज्यादा कहाँ है ये चो जो है, होशियारपुर, बिल्कुल ठीक बताया,
ये भी आपके इस चैप्टर में लिखा हुआ है। राइट आंसर इज सी, दैट इज कॉल होशियारपुर। क्वेश्चन नंबर 15, पंजाब विच जेडे कैनाल हन, कनाल, कनाल एक कुदरती नहर नहीं होती, वो बनाई जाती है इंसानों के द्वारा। ये जो जितनी भी कनाल पंजाब में बनी हुई है, ये टोटल इनकी लेंथ कितने किलोमीटर है, ये आप लोगों ने बताना है। कनाल, तो टोटल ये जो कनाल है 14,500 किलोमीटर इनकी लेंथ है। राइट आंसर इज सी, 14,500 किलोमीटर। कल आपकी नौवीं क्लास का सातवां चैप्टर आएगा मौसम और जलवायु, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, कम से कम 30 एमसीक्यू इसके होंगे। सातवां चैप्टर कल मौसम और जलवायु रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, गगर जेडी की आज दे समय एक, गगर जेडी आज दे समय एक मौसमी नदी है, जो किसे समय एना विचों केड़ी नदी दी सहायक नदी होंदी सी। गगर नदी आज के टाइम में एक सीजनल रिवर है, ये पूरे साल नहीं बहती, मॉनसून आता है सिर्फ तभी फ्लो करती है गगर नदी। तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। ये भी आपकी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान दे नाल जेड़ा सिंधु जल संधि कीती गई सी, वो केड़े साल विच होई सी। इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जदों भारत अते पाकिस्तान दी वंड होई ता नदियां दे पानी दी भी वंड होगी। 1960 ईस्वी दे विच ए समझौता भारत अते पाकिस्तान दे विचकार होया कि जेड़ी नदियां भारत विचों होके पाकिस्तान दे विच जा रहियां ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 1960, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਤਾਇਆ ਆਪ ਸਭ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਕੋ ਥਿਊਰੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਲਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਿਕਾਲੋ ਔਰ ਲਿਖੋ। ਕਿਆ ਲਿਖੋਗੇ ਆਪ ਲੋਗ? ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ, ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਜੋ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, जो ऐसी नदियां नहरें जो हम लोगों ने बनाई है खुद, वो बहुत बढ़िया है पंजाब का। पंजाब में पांच बड़े हेडवर्क्स हैं, 14,500 किलोमीटर लंबे कनाल हैं, और पंजाब के 10 सबसे बड़े कनाल के अंदर से मैं आपको 8 के नाम लिखा रहा हूं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। सरहिंद कनाल, सरहिंद कनाल जो है ये 59.44 किलोमीटर रोपड़ हेडवर्क से शुरू होती है, ये रोपड़ हेडवर्क से स्टार्ट होती है। दूसरी बिस्त दुआब, बिस्त दुआब कनाल जेडी है वो 43 किलोमीटर रोपड़ हेडवर्क तो ही स्टार्ट होती है। तीसरी है अपर बारी दुआब, 8 ही है, सिर्फ 8 क्वेश्चन आ सकता है, ये भी 42.35 किलोमीटर। सरहिंद फीडर, सरहिंद फीडर जो सरहिंद फीडर है दूसरी, ये 136.53 किलोमीटर हरिके हेडवर्क से शुरू होती है। ईस्ट कनाल जो पूर्वी कनाल है पंजाब की, ये 8.02 किलोमीटर है। भाखड़ा मेन लाइन, बस दो रहेगी, भाखड़ा मेन लाइन जो है ये 161.36 किलोमीटर है, ठीक। और शाह नहर जो है वो सिर्फ ही 2.23 किलोमीटर मुकेरिया हाइडल चैनल से शुरू होती है। राजस्थान फीडर जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो राजस्थान फीडर है 149.23 किलोमीटर तरन तारन के पास हरिके हेडवर्क से है। पंजाब इरीगेशन .gov.in वेबसाइट के रेफरेंस से ये डाटा जो है आप लोगों के सामने जो है वो पहुंचा है। एक सेकंड होल्ड रखना।
ठीक, ये नोट कर लिया जी सब स्टूडेंट्स ने, यहां तक लिख लिया। हाँ जी, अब एक चीज और लिख लो बस आप, उसके बाद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर आप चलेंगे 9 बजे पॉलिटिक्स की क्लास में, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के साथ। राजनीति में आज बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं चाहता हूं आप सब स्टूडेंट लाइव लगाना उस क्लास को, रात 9 बजे, 15-20 मिनट रहे हैं बस। अब आप एक चीज और लिख लो बस, उसके बाद फिर आज का लेक्चर खत्म। क्या लिखना है आप लोगों ने? जस्ट 1 मिनट की बात है, 1 मिनट की बात है। दुआब रीजन पंजाब में, दुआब रीजन मैंने आपको 3 लिखाए थे ना, एक्चुअल में ये 5 है। तो दुआब रीजन, दुआब, दो नहरों के बीच के एरिया को दुआब कहा जाता है। द एरिया बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड दुआब, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। दो आब, दो मतलब दो, आब मतलब नदियां, दो आब के बीच का लैंड दुआब। ठीक, ये भी पर्शियन भाषा से बना हुआ शब्द है दुआब। ठीक है, एक मैं आप लोगों ने दुआब पढ़े थे, पहला पिस्त दुआब, दूसरा बारी दुआब। ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये दुआब वाला आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, एक है RECHNA, दुआब। एक स्टूडेंट ने कहा सर दुआब शब्द ही वर्तो, सबसे पहला अकबर ने, अपने अकबर ने कितनी सी। नेक्स्ट इज JECH, दुआब, और सिंध सागर जुआब, सिंध SIND, सिंध सागर दुआब। ठीक है, 5 दुआब है पंजाब के अंदर। बस ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है ये और लिख लो और फिर जाओ, 15 मिनट है, खाना खा के आया ना 9 बजे। बिस्त दुआब जो है ये ब्यास और सतलुज के बीच का एरिया है, ब्यास एंड सतलुज। ये क्वेश्चन इस बार पंजाब में आने वाला क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं आपको। दुआब रीजन सतलुज और ब्यास के बीच का एरिया बिस्त दुआब, इसे जलंधर दुआब भी कहा जाता है। इस एरिया में जलंधर शहर पड़ता है और इसको दुआबा भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे पंजाब में मालवा, दुआबा, माझा होता है ना, ये दुआबा शब्द यहां से लिया गया है। दूसरा है बारी दुआब, बारी दुआब जो है इसमें लिख लेना जलंधर सबसे बड़ा शहर पड़ता है। बारी दुआब, बारी दुआब जो है वो ब्यास और रावी नदी के बीच का एरिया है, ब्यास और रावी के बीच का एरिया बारी दुआब है। ये माझा, ये एरिया है माझा वाला, माझी डायलेक्ट पंजाबी भाषा की यहां बोली जाती है। ठीक है, माझा रीजन पंजाब का इसी के बीच में है। अब आ जाओ जी तीसरा, RECHNA, ये एरिया रावी और चेनाब के बीच का है। बस 30 सेकंड और, रावी और चेनाब के बीच का एरिया ये दबाव पड़ता है। अब ये एरिया जो है पाकिस्तान के अंदर है, दिस एरिया है हमारे पंजाब में ही, पर वो पंजाब फिलहाल पाकिस्तान में है। ठीक, उसके बाद है चौथा दबाव, ये जेहलम रिवर और जेहलम रिवर और चेनाब रिवर के बीच में है, जेहलम और चेनाब, ये भी माझा रीजन में पड़ता है। और ये है जेहलम और इंदुस के बीच में, जेहलम और इंदुस के बीच में। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको क्वेश्चन आया इन पहले 2 में से आना चाहिए बस। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था स्टूडेंट, रिवर सिस्टम ऑफ पंजाब। इसको मैक्सिमम मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपने तरीके से। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को सारे स्टूडेंट्स लाइक करना। कल 14 फरवरी से पंजाब टेट का 6वां बैच, ETT कैडर के 200 टेस्टों का टेस्ट बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स के बाकी पेपरों का बैच तीसरा चल रहा है, चौथा शुरू करने पे है। और 9 बजे पॉलिटिक्स की क्लास में आप सब स्टूडेंट से मैं मिलूंगा, अपनी क्लासेस को बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ भी आप लोग जरूर शेयर किया करो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे आने वाले सेशन में रात 9 बजे, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।